आप अपनी न्यूज़ के सभी वीडियो पाएं सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। चोपटा की अनाज मंडी के अंदर आज सरसों की खरीद नहीं हो पाई है। वजह क्या है, इसको लेकर क्या कारण रहे हैं? जो आढ़ती है यहाँ के सारे हड़ताल पे हैं और वो कह रहे हैं कि वो किसी भी किसान की सरसों नहीं खरीदेंगे। क्या वजह है इसके को लेकर हमारे साथ कुछ आढ़ती हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या कारण है आपने आज, ये लगभग 11 बजने वाले हैं और किसी भी किसान की आपने शुरुआत नहीं की है सरसों खरीद की? इसका सीधा सीधा है जी, जीएसटी से। गवर्नमेंट कह रही है भी जीएसटी आढ़ती बढ़ेगा। पहली बात तो ये, 50% आढ़तियों के पास जीएसटी नंबर भी नहीं है और कच्ची आढ़त के लिए इसका कोई प्रावधान है, इसमें कोई नंबर लेना ज़रूरी नहीं है। और जिनके पास है तो वो भरेंगे तो वो रिफ़ंड बहुत लेट होता है और ये रकम बहुत मोटी हो जाती है। इसका प्रावधान है भी, डिपार्टमेंट जो खरीद कर रहा है वो खुद भर सकता है। प्राइवेट जो खरीद करते हैं कच्चे आढ़ती से, वो भी खुद जीएसटी भरते हैं, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं भर सकती? हमारा सीधा यही सवाल है भी, जीएसटी है वो गवर्नमेंट भरे, जो डिपार्टमेंट खरीद कर रहा है जीएसटी वो पे करे, हम विदाउट जीएसटी अपना आई फार्म देंगे उनको। चलिए, बिल्कुल ये बता रहे हैं कि जीएसटी का इशू है और उसको लेकर इन्होंने अपनी हड़ताल शुरू की है। जी बताइए, कब तक ऐसा, अगर क्या प्रोविज़न रहेगा आपकी हड़ताल, कब तक यूं ही आप चलते रहेगी? नहीं, हड़ताल नहीं है जी, ये सिर्फ जीएसटी का चक्कर है। जीएसटी अगर गवर्नमेंट हमें लिखित में दे दे भाई हम भरेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है तोलने से। पहले तोल ही रहे हैं, आज 15 तारीख से सरसों की खरीद स्टार्ट है तो 15 तारीख से हम कल तक, मतलब 27 तारीख तक परचेज की है, कल से स्टार्ट हुआ है ये काम, तो कल तो हमने तोल दी लेकिन आज अब नहीं तोल पा रहे हैं। लेकिन कल से आई फार्म हमें बनाने पड़ेंगे, फर्मों को बनाने पड़ेंगे, इसलिए आई फार्म हम बनाएंगे तो जीएसटी हमें उसमें ऐड करनी पड़ेगी। जीएसटी हम ऐड करेंगे तो उसके अंदर क्या है, अगले महीने की 20 तारीख से पहले हमें जीएसटी भरनी पड़ती है। अगर वो नहीं भरते हैं तो उधर से हमारे को पलंटी वगैरह लगती है। तो गवर्नमेंट का पता नहीं दे या ना दे, क्योंकि पिछली बार डीएफसी की जो जीएसटी थी हमारी वो कम से कम 2 महीने बाद में मिली थी, 2-3 महीने बाद में। तो इसलिए हमें ये मतलब डर है भाई, जल्दी ना देंगे तो हमें इधर से पलंटी पड़ेगी, इधर पैसे नहीं भरेंगे तो हमारा तो 40 रुपये का सारा काम है जी सरसों का। यहाँ पर हम तो ज़मींदारों की सेवा करने के लिए बैठे हैं और कोई कमाई तो है नहीं यहाँ, क्योंकि कटौती लेबर सब हम दे रहे हैं। अगर ये जो नया नियम बनाया है कल से, अगर वही नियम रखा जाता है तो आप ये जो बंद अभी कर रखी है सरसों की खरीद की, तो ये कब तक जारी रहेगा और आगे आपका क्या एक्शन रहेगा? नहीं, अगर ये ऐसे ही रहेगा तो हम असमर्थ हैं जी तोलने में। गवर्नमेंट अपना आप सोसाइटी से या किसी से तुलवा सकते हैं। बिल्कुल, ये बता रहे हैं कि अगर इसी तरह का ये जो नया नियम है, पहले ये बता रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से इसका तोल हो रहा था, उसका जो जीएसटी है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से उसका जीएसटी कट रहा था, लेकिन अब सीधा आढ़तियों के माध्यम से ये कट रहा है, तो जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कुछ और आढ़ती भी हैं जी, बताइए इसका क्या समाधान क्या हो सकता है आपके हिसाब से? समाधान तो यही हो सकता है कि सरकार, आपने खुद उनकी तो ये जीएसटी है उनको लेनी है, तो अपनी जीएसटी भर ले और अपने आप उनकी रिफंड हो जाएगी बाद में, तो सरकार भरेगी ये जीएसटी, तो हम कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आज कौन से गांव के, आपको अगर ध्यान हो तो कौन से गांव की यहां पर ये किसान आए हुए हैं जो सरसों यहां पर लेके आए? आज रामपुरा डिलो का, कल भी रामपुरा डिलो का था, तो कल तो ये हमारे को पता नहीं था, शाम को ये मैसेज आया था, तो कल तो हमने खरीदी थी, आज से हमने फिर मैसेज, ये जीएसटी भरने के बाद निकल तो बिल्कुल ये समस्या है इन आढ़तियों की और इस वजह से इन्होंने सरसों की खरीद आज बंद कर दी है। और मैं बता दूं कि न केवल चोपटा की अनाज मंडी के अंदर ऐसा हुआ है बल्कि जमाल और जो तरकाम वाली गांव है वहां के जो खरीद केंद्र है, सरसों के खरीद केंद्र है, वहां पर भी इस तरह से आढ़तियों ने एक रूप से हड़ताल शुरू कर रखी है और वो सरसों की खरीद नहीं कर रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस, ये जो किसानों की समस्या आप देख सकते हैं मेरे पीछे की,
कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, किसान यहाँ पर सुबह से आए हुए हैं, लेकिन अब 11 बजने को है लेकिन अभी तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है आड़तियों की, और इस वजह से पूरी लाइन लगी हुई है यहाँ पर, ट्रैक्टरों में लेके आए हुए हैं, ट्रैक्टर ट्राली यहाँ पर किसान अपने अपने गाँव से लेके आए हुए हैं, लेकिन उनकी अभी तौल नहीं हुआ है और वो मंडी से बाहर ही लाइन लगा कर यहाँ पर ये खड़े हैं। इस वजह से किसानों को जहाँ काफ़ी परेशानी हो रही है, वहीं आड़तियाँ भी बड़ी परेशानी और दिक्कत में है कि इनकी समस्या का समाधान करवाने के लिए अभी तक किसी भी तरह का कोई अधिकारी किसी भी विभाग से उनके पास नहीं आया है। अब ये आड़तियों और किसानों की ये जो समस्या है इसके संबंध में बात करते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के संदीप जी, उनसे बात करते हैं। जी सर, किस तरह से क्या इनकी समाधान के बारे में क्या सोचा है और क्या इनका इश्यू है? अभी जो DM वेयर हाउस हैं उनसे मेरी बात हुई है, वो जल्दी इसका समाधान करेंगे। उन्होंने उनका जो कर्मचारी है वो आ रहे हैं, इनसे जैसे भी कोई रिजोल्यूशन लेना है या जिससे जिस बात से डिसएग्री कर रहे हैं उसकी पूरी जो है जो भी बनती है कार्रवाई वो जल्द से जल्द करेंगे। ये क्या इनका इश्यू क्या है, किस वजह से इन्होंने अभी तक ये तौल शुरू नहीं करवाया सर? इनका GST का इशू है, ये अब परचेज कर रहे हैं तो इनको GST लगेगा, वो GST बाद में जो परचेज एजेंसी है वो इनको रिफंड करती है, लेकिन जैसा सुनने में आया जैसे ये बता रहे हैं कि ये GST जो है जो ये अभी पहले देने के लिए तैयार नहीं है, ये अगर रिफंड जो है वो बाद में होता है लेकिन हमें अब हम पहले से नहीं दे सकते असमर्थ देने में। तो ये जो बातचीत है वो चल रही है वेयर हाउस की और जो हैंडलिंग एजेंट आड़तियों की जो बातचीत है आपस में चल रही है, जल्दी रिजोल्व हो जाएगा। तो किसानों की ये जो समस्या है ये कल तरकावाली गांव के अंदर भी इसी तरह का इशू था, आज तीन गांव के अंदर तरकावाली और जमाल के अंदर भी इसी तरह से हड़ताल पे है आड़ती है। नहीं ये तो फिर वही है ना, परचेज एजेंसी के साथ इनकी बातचीत चल रही है, मेन मुद्दा जो है GST का, उसके लिए अब परचेज एजेंसी के कर्मचारी भी आ रहे हैं, इनसे बात कर लेंगे और जल्दी रिजोल्व हो जाएगा। तो बिल्कुल ये बता रहे हैं कि वेयर हाउस जो परचेज एजेंसी है उनकी तरफ से जो GST का ये इशू है और इस वजह से इस तरह से लोगों को ये परेशानी हो रही है, आड़ती है भी यहाँ पर इस बात में असमर्थ है जता रहे हैं अपने आप को, और वो बता रहे हैं कि उनको अगर जो दामी है वो प्रति क्विंटल लगभग 40 रुपये उनको इनकम होती है और उसकी एवज में वो GST के नाम पर जो पैसे हैं वो 200 रुपये के लगभग पैसे उनको पहले जमा करवाने पड़ते हैं और वो काफ़ी लंबे समय तक वो वापस नहीं होते हैं, रिफंड नहीं होते हैं, इस वजह से इनको ये दिक्कत आ रही है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन आड़तियों की समस्या का समाधान किस तरह से करते हैं, क्या ये जो किसान है बाहर खड़े हैं जो अपने वेट कर रहे हैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो उनकी जो समस्या है उसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप वर्मा के साथ हनुमान पूनिया।